नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आए हैं कबूतरों की सेहत के लिए और सेहत के साथ साथ उनकी स्वच्छता के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रिंकर्स के ऊपर कि ड्रिंकर्स आप किस किस टाइप के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ड्रिंकर मंगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका कि कैसा वो है और कैसे आपको उसे रखना है, कैसे क्या क्या करना है आपको। तो प्लीज़ हैव अ लुक। ये है एक बकेट, ये देखिए। और इस बकेट में क्या है, आपने ड्रिंकर देखे होंगे, आपने ऑनलाइन काफ़ी ड्रिंकर्स देखे होंगे इस तरीके के। तो इस टाइप की ये कैप है, उसकी पूरी कंप्लीट कैप है। तो इसमें हम इस टाइप से लगाएंगे, इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये देखिए पानी इस होल में से लीक करके इसके ऊपर ऊपर यहाँ तक रहेगा, पानी बाहर नहीं आएगा। और बाहर ना आने का बेनिफिट ये मिलेगा, कबूतर पानी इसके अंदर स्टोर रहेगा। सपोज दैट हम जैसे इसमें दवाइयाँ डालते हैं और एंटीबायोटिक्स डालते हैं और विटामिन डालते हैं तो कबूतर ख़राब नहीं करेगा। नहीं तो क्या करते हैं कबूतर, मोस्टली केसेस में कबूतर पानी में पॉटी ज़रूर करता है। आपने देखा होगा, पानी आप रख के देखिए, उसमें ज़रूर पॉटी करेगा एक ना एक कबूतर, और एक को देखा देखिए फिर दूसरा भी कर देगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि सफाई रहे उस चीज़ में। तो इसमें क्या रहेगा कि काफ़ी कबूतर कम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें पॉटी नहीं करेंगे। तो इस टाइप के आप ड्रिंकर्स मंगा सकते हैं। ये 2.5 लीटर का है भाई, मैंने छोटा मंगाया है क्योंकि इतनी नीड नहीं थी, छोटे में काम चल जाएगा। और इस पानी को देखिए, गर्मियों में आप कम से कम अगले दिन बदल दें और सर्दियों में आप 2-3 दिन रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पानी सड़ता नहीं है, गर्मियों में पानी सड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि पानी उतना बनाएं जितना कि सफिशियंट हो उनके लिए। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि कबूतर प्यासे नहीं रहेंगे आपके, उन्हें बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और अच्छा भी है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, आप खुद देख रहे होंगे स्वेटिंग पूरी प्रॉपर हो रही है इस टाइम, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी बिल्कुल भी स्वेटिंग की। तो इस तरीके से आप काफ़ी ड्रिंकर्स मंगा सकते हैं। इसमें एक जैसे छोटा ड्रिंकर आता है, ये तो 2.5 लीटर का है, इसमें एक बड़ा ड्रिंकर भी आता है 10 लीटर तक का, वो भी अवेलेबल है। तो किसी भी भाई को अगर चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं, नंबर आप सभी के पास है लगभग। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास भी पहुंच जाएगा, बिकॉज मेरी हर वीडियो के स्टार्टिंग में जब इंट्रो ख़त्म होता है तो नंबर आता है पहले, उसके बाद मेरा वीडियो चलता है। फिर इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाएंगे, उसमें भी आपको मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी वहाँ पे भी। तो देखिए, ट्राई कीजिए इसे भी, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर आने चाहिए, लाइक ज़रूर होने चाहिए भाई। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा तो ज़रूर डिसलाइक भी करिएगा, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और लगे रहिए कबूतरबाजी करते रहिए, क्योंकि इसे करने में जो मज़ा है वो किसी में भी नहीं है। ये शौक़ एक ऐसा शौक़ है कि अगर कभी किसी को लग जाए तो जहाँ तक मेरा मानना है वो मरते दम तक नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। सो फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।